हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज आपको बहुत बड़ी वेल्थ बनाकर दे सकती है। अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पर ये कंपनी आपको अवेलेबल हो रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इन कंपनीज के बिजनेस को डिस्कस करेंगे और लेवल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर आप परफेक्ट एंट्री कर पाएंगे और अच्छा रिटर्न इन स्टॉक से गेन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, और उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से। पहली कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, और कंपनी क्या काम करती है इसकी वेबसाइट पर चलेंगे, उससे पहले देख लीजिए। मुथूट फाइनेंस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट। यहां से आपको ये सारे सेक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, लेकिन मेन काम क्या है इनका, गोल्ड लोन प्रोवाइडर कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप लोग देखिए, मार्केट कैप की बात करेंगे तो 49,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 1236, 1236 रुपए का इसका करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई देखिए 1406 का है, 52 वीक लो देखिए 582 रुपए का इसने लो बनाया था, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है इस कंपनी का, 1.21% है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है। बीच में न्यूज आ रहा था इसके स्प्लिट होने का, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये स्टॉक स्प्लिट जरूर होगा तो उसका भी एडवांटेज आप लोगों को मिल सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड या बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है उनके ऊपर डेट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इन कंपनीज का काम ही है लोन देना और इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करना। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे 16% का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर का है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। रिजर्व देखिए 14,092 करोड़ का है और करंट रेशियो इसका बहुत शानदार है, तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर इस कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पर, ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो आप लोग देखिए, सर्विस वी प्रोवाइड गोल्ड लोन, हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस। मेनली लोग जो है इसको गोल्ड लोन प्रोवाइडर कंपनी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है, पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है, गोल्ड कॉइन हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप लोग देख सकते हैं इसकी सर्विसेज, आप लोग देखिए ये वाली, देखिए आप इसकी सर्विसेज, तो बहुत अच्छी कंपनी है। व्हीकल लोन हो गया, लोन होम हो गया, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, ये कंपनी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है जो कि मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। वो लेवल जब ब्रेक होगा तो इसमें फ्रेश मूव आएगा और एक नया हाई बनाने के लिए कंपनी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं सीधा चार्ट पर। चार्ट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो मंथली चार्ट पर आप लोग जरूर देखिए किसी भी स्टॉक को, और मूविंग एवरेज में आप लोगों को दिखाता ही इसीलिए हूं ताकि आप लोग भी ये मूविंग एवरेज लगाएं और आप लोगों को पता चले कि किस किस लेवल पर वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है आकर। तो आप लोग देखेंगे यहां से, देखिएगा यहां से देखिए आप लोग 2016 से देखिए, ये स्टॉक जब भी अपने 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 का सिंपल मूविंग एवरेज आता है वहां पर ये स्टॉक सस्टेन करता है, वहां से बाउंस बैक कर जाता है। आप लोग सपोज देखिए ये वाला 2017 और 18 का फेज देखिएगा, हाई कितना था, 521 का था, पर्पल कलर की लाइन कहां थी, 378 पे थी, सस्टेन किया, वापस से एक नया हाई बनाया। उसके बाद देखिए यहां पर तो सभी स्टॉक में करेक्शन आया, लेकिन फिर भी अगर ये मूविंग एवरेज आपके उस टाइम पर लगा होता और मुथूट फाइनेंस को आपने यहां से नीचे गिरा और जीटीटी ऑर्डर लगा होता 536 का, तो आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 महीनों में ये स्टॉक कहां चला गया, सीधा पैसा डबल से भी ऊपर बनाकर दे दिया 4 ही महीने के अंदर। अब आप लोग देखें प्रेजेंट में 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेड कलर की लाइन कितनी आ रही है, 1141 का आ रहा है, तो ये वाला आपका एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, मतलब यहां तक स्टॉक आ सकता है। उसके बाद देखिए एक नीचे हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, अच्छा ये लेवल कौन सा मिल रहा है, वो लोग आप लोग देखिए 1102, तो राउंड फिगर में 1100 रुपए का लेवल मान लेते हैं कि यहां तक स्टॉक के आने का पॉसिबिलिटी है अगर बहुत बड़ा करेक्शन स्टॉक मार्केट में आ जाता है, ठीक है। अब ऊपर के लेवल पर देखिए, इस लेवल पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऑलमोस्ट ये एग्जैक्ट लेवल भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले,
ये वाली लाइन से भी जाएंगे तो भी आपको एक तरीके से पता चल रहा है ये स्टॉक यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पर मांग लिए 1330 के आसपास का। तो ये ऊपर की तरफ भी लेवल आप लोगों को पता पड़ गया 1330 का। अब आप लोग देखिए, अब आपको रेजिस्टेंस भी पता है, सपोर्ट भी पता है आप लोगों को कि इसके बीच में ये स्टॉक में जितनी अच्छी बाइंग करेंगे उतना अच्छा हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है। और बाइंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ऐसा है, बाय ऑन डिप आप पेनी स्टॉक में नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और एवरेज कंपनी में नहीं कर सकते। अच्छी कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए और बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कोई भी ज्यादा अगर देखें तो प्रमोटर से रिलेटेड बैड न्यूज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनी में ही आप बाय ऑन डिप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या होगा, ये स्टॉक जब भी आप लोग इसको वॉचलिस्ट में लगा कर रख लीजिएगा, जब भी 1330 के ऊपर यहां पर नीचे देखिएगा, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा ना, तब आप लोग देखिएगा ये स्टॉक कितनी तेजी से उस टाइम पर बढ़ जाएगा। तो वो उसका एडवांटेज अगर आप लोगों को उठाना है और लॉन्ग टर्म का विजन है आप लोगों को, देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 1330 का लेवल पार होगा जब उसके बाद करेंगे। अदरवाइज आप लोगों का विजन 5 से 10 साल का है तो आप लोग अभी से एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, प्रेजेंट लेवल से आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है मनप्पुरम फाइनेंस। देखिए मुथूट फाइनेंस ने भी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, लेकिन जिस लेवल पर मनप्पुरम फाइनेंस अभी चल रहा है वहां से ये आपको ज्यादा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है। और मार्केट कैप की भी बात करें, 12,784 करोड़ का ये मार्केट कैप है। उसके अलावा आप लोग देखिए इसका करंट प्राइस, देखिए करंट प्राइस 151 रुपए का है। उसके बाद 52 वीक हाई देखिए 187 का है, 52 वीक लो देखिए 90 का है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, फेस वैल्यू टू की कंपनी है, करंट रेशियो इसका भी अच्छा है। रिजर्व्स देखिए 6,282 करोड़ का है और प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है और प्लेज भी इन्होंने थोड़ा सा रख रखा है। थोड़ी सी रिस्की कंपनी है लेकिन 100 से 200% रिटर्न देने का ये भी कंपनी पोटेंशियल रखती है। और पीई के मामले में देखोगे तो बहुत ही सस्ता ये स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है। और इन कंपनीज की भी सर्विसेज ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगी, गोल्ड लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, फोरेक्स एंड मनी ट्रांसफर हो गया, व्हीकल लोन हो गया। उसके अलावा गोल्ड लोन एक डोर स्टेप भी प्रोवाइड कराती है कंपनी, माइक्रो होम लोन भी प्रोवाइड कराती है, उसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोन भी प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही कंपनी के अच्छे बिजनेसेस है। सीधा चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट पर जब आप देखेंगे इस कंपनी में भी सिमिलरली पर्पल कलर, और ये ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा ये स्टॉक 2016 से देखिए ये वाली जो ग्रीन कलर की लाइन है वहां तक आया है, तो 125 का है, 125, तो वर्स्ट केस सिनेरियो इसका 125 रुपए। तो आप लोग इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी एक आप लोगों को 158 के आसपास बाइंग लेवल आ रहा था, 151 पर चल रहा है, आप लोग बाई कीजिए। उसके बाद कितना आ रहा है, 138.6 आ रहा है, तो मतलब 140 के आसपास आए तब बाई कीजिए। और उसके बाद वर्स्ट केस 125 हो रही है, 125 तभी आएगा जब बहुत बड़ा मार्केट में करेक्शन हो जाएगा। तो ये लेवल्स आपके सामने आ गए, आप लोग बाई कीजिए। ये स्टॉक यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है देखो 180 के ऊपर, तो ये लेवल जब भी हाई लेवल के साथ ये वाला लेवल टूटेगा हाई ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर से बहुत ही अच्छा मूव इस स्टॉक में आएगा। तो अभी से एक्युमुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप लोग इस स्टॉक को अप्रोच कीजिए, आप लोग हमेशा ही अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।